हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल सीके शो। जैसा कि कुछ दिन पहले आपने मेरे एक वीडियो में देखा था कि मेरी गाड़ी को बहुत ही हैवी डेंट लगा है। मैं कुछ दिन पहले थोड़ा घर से बाहर निकला था तो ठेले वाले का जो कॉर्नर रहता है वो गाड़ी के राइट साइड में बहुत हैवी डैमेज कर दिया था, जिससे मेरा फेंडर और जो हेडलैम्प है राइट वाली बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है। इवन फेंडर के मेरे को लगता है कि इंटरनल जो फ्रेम रहता है जिसमें फेंडर अटैच रहता है वो भी बहुत डैमेज हुआ है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक में है। मैं आज जा रहा हूँ गाड़ी अपनी इंश्योरेंस क्लेम कराने। अभी हम जा रहे हैं सर्विस सेंटर जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है। हम नेक्सा के शोरूम जा रहे हैं क्योंकि नेक्सा की सर्विस अच्छी रहती है और मारुति वाले की जो बटार ब्रेज है वो अपन नेक्सा में सर्विस करा सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या प्रोसीजर, क्योंकि एक बार ऑलरेडी क्लेम ले चुका है, क्या पता उन लोग सेकेंड टाइम करते हैं कि नहीं। तो अपन चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या प्रोसीजर होता है। लेट्स बिगिन अवर टुडेज़ वीडियो। लॉकडाउन को खुले बस अभी 2 दिन ही हुआ है तो क्या पता सर्विस होने में कितना टाइम लगेगा और जो अपना इंश्योरेंस क्लेम करने में कितने दिन लग जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की गाड़ी अभी सर्विस में हो सकती है वहाँ पर। देखते हैं कितना टाइम लगता है। हम बस जस्ट शोरूम पहुँचने वाले हैं। ये अभी इंस्पेक्शन हो रहा है, इंश्योरेंस टीम जो है नेक्सा वालों की वो चेक कर रही है गाड़ी में क्या क्या इक्विपमेंट्स है और चारों तरफ से पिक्स ले रही है कि कहाँ टेंट है कहाँ पेंट है। ये हम नेक्सा के शोरूम आ चुके हैं। अब मैं इतना दूर आया हूँ तो मैं सोच रहा हूँ क्योंकि अपनी सेकंड सर्विस भी करा लेता हूँ, क्योंकि मेरी सेकंड सर्विस अभी ड्यू थी तो मैं सेकंड सर्विस और इंश्योरेंस क्लेम दोनों एक साथ करवा रहा हूँ। ये कुछ वर्कशॉप है अंदर का, चलिए देखते हैं अगले पार्ट में क्या होता है, क्योंकि गाड़ी अभी 6-7 दिन बाद मिलेगी। स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट और लाइक करिए इस वीडियो अगर पसंद आया तो, और तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू।